अस्सलाम वालेकुम गौरव जी, माँ कसम। चलो सादिक भाई मिलते हैं, अच्छा लगा मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते। ये तो ये मिल गया है मेरे साथ में था सूफी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी लोगों के एक और नए वीडियो में। ये जो ब्लॉग है वो है ईद का ब्लॉग और आप सभी लोगों को ईद मुबारक। और मेरे साथ में यहाँ पे मेरा भाई। हेलो, ईद मुबारक, कैसे हैं सब लोग? भाई की तरफ से भी आप सभी लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। एक बार लुक तो देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको क्या बोलेंगे? अरबिक स्टाइल, पहली बार हमारी तरफ से ईद मुबारक। हाँ, सफी की तरफ से भी सभी लोगों को ईद मुबारक। गौरव की तरफ से भी ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। दो अरबी हो गया है, हम मैच कर रहे हैं हिंदुस्तान। डैडी की तरफ से भी आप सभी लोगों को ईद मुबारक। सबको बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक। ऐसा ये सूफी का ईद वाला लुक है। ऐसा ऐसा सूफी ने मेहंदी भी लगाई। सूफी ऐसा करो, सूफी ईद मुबारक, ऐसा नहीं थोड़ा दूर रखो, ऐसा रखो, ईद मुबारक। جان کشتم مرا زلفان چنگ چنگ تو، جان کشتم مرا زلفان पहले मैं मम्मी को उठा सकता था, अब नहीं उठा सकता। मम्मी आपको उठा सकते हैं। शिवाय मम्मी, शिवाय हाँ है। हम भी हैं लाइन में कतार में। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ऐसी ऐसी हम लोग के साथ में है सुफी 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 सुफी। बहुत सारे फैमिली फोटो लेंगे।
फाइनली आ चुका है हमारा शीर खुरमा और नरम पाव। रमजान में जैसे हम लोग फ्रूट के लिए बिछाते थे दस्तरखान, वैसे ही याद आ रही है। तो आइए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गौरव जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई। सफीक? बहुत उम्दा। बढ़िया। भाई को कैसा लगा? एकदम बेटा, दमका तो है। मम्मी को कैसा लगा? डैडी बनाया दोनों का मतलब हम लोग बचपन से आज तक मम्मी डैडी के बनाए हुए ईद में शीर कुरमा खाते हैं। इतना दिन से डैडी ये बनाता था, तुम लोग कम से कम 2-3 साल पहले डैडी बनाता था। मैंने बनाया 2-3 साल से मैं बन गया। पानी भरने के लिए उठते हैं तभी बना देते हैं ना। 3 hours later. अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। After 3 hours, सूफी आ गई नॉर्मल ड्रेस में, घर के ड्रेस में। मैं भी घर के ड्रेस में आ गया। हमारी ईद हो चुकी है। हमारी ईद थी ईद की नमाज और शीर खुरमा तक। अभी जो बिरयानी हम लोग खा रहे हैं वहाँ तक के हम लोग की मतलब ना हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम वही कपड़ा पहने। बहुत चुभ रहा था, वो नया था, तो हम लोगों ने दोनों उतार दिया है ना सूफी। महबूद ने भी उतार दिया। हम तीनों की ईद खत्म हो गई और 3 लोग हैं जिनकी ईद अभी भी बाकी है। उधर सच्चाई है, इधर सच्चाई नहीं है, क्योंकि जनरली ईद में ऐसे ही होता है कि नमाज पढ़ने के बाद शीर कुरमा खाने के बाद कपड़े उतार दिया जाता है। डैडी आपका निकाले, खुद ही चिल्ला के खुद ही बिरयानी आ चुकी है। तो हमने भी निकाल लिए थे, फिर वापस खा लिए क्योंकि ये पहली बार पहना है ना ईद में। तो यहाँ पे सेम वही कुर्ता, गौरव जी का भी वही है। गौरव जी चेंज नहीं कर सकते। तो इन लोग की ईद अभी भी चल रही है, हमारी ईद खत्म हो चुकी है और आ चुका है यहाँ पे बिरयानी। गौरव जी माँ कसम, है चालू है, चालू है। देखो बताओ, इधर देखो, ठीक है। अरे ऑडियंस को तो दिखाओ। हाँ चालू है। तो बाल बाल बचे। फोन के प्राइस में और इसके प्राइस में कितना फर्क है? कौन सा फोन? वो तुम्हारा 13 प्रो मैक्स सेम ही है। प्राइस में सिर्फ बॉडी मिलेगा। बॉडी मिलेगा। लेंस के लिए 2 आईफोन आ गए हैं। चलो तुम अपना शुरू करो। अभी जो हादसा हुआ भाई के साथ, अगर इनकेस अगर कुछ गड़बड़ होता ना, ये बिरयानी नहीं खाता भाई। नहीं ऐसे क्या, बिरयानी खाता हम अगर थोड़ा सा उस मूड करते हैं बिरयानी खाने के लिए, उस मूड से नहीं खाता जो मूड बोलते ना खुशी वाला मूड। अल्लाह का करम है, बिरयानी हमेशा गर्म है। जो टच कैमरा ढूंढे या कुछ भी हो, घर की मम्मी की बिरयानी। चलो फिर बिस्मिल्लाह कर लेते। अभी शाम का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं, मतलब मुंबई में शाम का टाइम है। गांव साइड में तो ये रात हो गई है। खाना वीना खा के सो गए। टीवी पे चल रहा है IPL और यहाँ सूफिया ने जस्ट उठी है। हम लोग थोड़े टाइम पहले उठे हैं और तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, तो जब भी मौका मिल रहा है थोड़ा आराम कर रहा हूँ। शाम का टाइम है तो सोचा कुछ चटपटा हो जाए, तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आइडिया लगाया, बाहर की जो भी चीज़ खानी है ना वो सब घर पे लेके आ गए। वही किया हम लोग, ये सारी वैरायटी खाने का था तो हम लोग लेके आ गए। तो यहाँ पे देख सकते हो रगड़ा, पानीपुरी और दूसरा जलेबी और तीसरा यहाँ पे मंचूरियन। जो बाहर खाना था वो घर पे लाके खा रहे हैं। चलो फिर बिस्मिल्लाह कर लेते। और एक चीज जो आप लोगों को नहीं बताया, यहाँ पे माँ आई है थाने से ईद में। वालेकुम अस्सलाम। क्या करेंगे, दोनों बच्चे इधर है, अकेले माँ बाप कैसे मनाएंगे। बाबा काम से बिजी है, माँ आई है। क्या बोलना चाहते हो बाबा को? एक दिन भी फुर्सत नहीं है बेटी के घर पे ईद के दिन आने के लिए। ठीक है, तो फिर खा लेते हैं। गर्मा गर्म है, रगड़ा गर्म है, जलेबी गर्म, सब गर्म है, निपटा देते हैं। तो समझते हैं, फिर मिलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दो, ये वेज है। इसके अंदर मतलब पत्ता गोभी वगैरह सब मिला के बनाते हैं। कुछ कुछ दुकान में ना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वही जगह से हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, अलग से डरवाए गए नहीं। यहाँ पे मम्मी भी आ गए, बाहर गए थे। मम्मी गए थे बाजार। नहीं बाजार नहीं, मम्मी गए थे अरमान। हाँ क्या बोल रहे, मम्मी को बुलाए थे कॉल करके, आपा आओ हमारे घर पे।
सो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर और मैं कर रहा था अपनी एडिटिंग। माशाल्लाह हमारी ईद तो बहुत अच्छे से गई है। आई होप कि आप सभी लोगों का ईद अच्छे से गया होगा। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ईद मुबारक तो बनता ही है कमेंट में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक और एक बार आप सभी लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक।